अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड रेस्ट बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एल सी एफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 405 एंड 513 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमें कौन से मेथड से एच सी एफ फाइंड आउट करना है। तो हमें बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो बड़ी वैल्यू होती है सबसे, उसे हम रखते हैं अंदर, मीन्स उसे हम अपना डिविडेंड बना लेते हैं, और जो छोटी वैल्यू होती है वो बन जाता है हमारा डिवाइजर, यानी कि 405 हमारा डिवाइजर बन गया है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 513 को 405 से। यहाँ पर हम 400 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 405 को, तो हमारे पास 405 ही आएगा। यहाँ पर हम अगर 2 से इसे मल्टीप्लाई करते तो वो 800 समथिंग एक बड़ी वैल्यू आती, जो कि हम नहीं ले सकते थे। तो अब हम यहाँ पे 3 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, तो हम इससे बोरो ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 13। 13 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही रहेगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये जो हमारा रिमाइंडर है ये बन जाएगा अब हमारा नया डिवाइजर, और हमारी डिविडेंड की वैल्यू कौन सी होगी, हमारा प्रीवियस डिवाइजर यानी कि 405। अब हमें देखना है कि 108 के टेबल में 405 आता है, अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है। तो 108 को मैं अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखूं, 3 टाइम 8 इज 24 का, 4 टू कैरी, 3 टाइम 0 इज 0, 0 प्लस 2 ही रहेगा यहाँ पे, एंड 3 टाइम 1 इज 3, ये आ रहा है 324। ये वैल्यू से छोटी है, अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो फिर हमारे पास 405 से एक बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए हम इसे ही ले लेते हैं। 108 3 टाइम इज 324, ठीक है। अब हमें माइनस करना है, 5 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। 0 में से माइनस नहीं कर सकते इसलिए हम बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8, ये बन चुका है 81 और हमारा नया डिवाइजर है। हमारी डिविडेंड की वैल्यू होगी प्रीवियस डिवाइजर जो कि है 108। यहाँ पर भी हम 81 टाइम 1 इज 81 ही लेंगे, क्योंकि अगर 2 पे लेंगे तो फिर वो 162 आएगा, ठीक है, जो कि एक बड़ी वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब यहाँ हमें माइनस करना है, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, ये बन चुका है 27 हमारा रिमाइंडर है, और ये अब बन चुका है हमारा डिवाइजर, और प्रीवियस डिवाइजर वैल्यू जो है वो बन जाएगी हमारी डिविडेंड की वैल्यू यानी कि 81। अब हमें देखना है कि 27 के टेबल में 81 आता है या नहीं आता। तो हम 27 वन टाइम इज 27 ही होता है। 27 को हम यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो 3 टाइम 7 इज 21 का 1 टू कैरी, 3 टाइम 2 इज 6 प्लस 2 8। जी हाँ, ये बिल्कुल कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 27 3 टाइम इज 81, और 81 में से 81 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। और जो हमारा लास्ट डिवाइजर है जिस पर ये वैल्यू जो है एंड हो रही है, हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, वो है हमारा एच सी एफ मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। देखा आपने, क्योंकि जल्दी से हमने फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।